अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। तो उसका आप इसको हुकूमत के लिए इतना लेट करके मत करिए, ठीक है? आज कितना भेज रहे हैं? ऐसा है कि आज हम 10 या 20 भेजेंगे। भैया निकालते हुए सस्पिशन नहीं होगी लोगों को? 10 लाख रुपया जो अकाउंट से निकलता है, चारों तरफ अकाउंट पे चेक से निकल रहा है, दिक्कत होती है। वाराणसी के एक स्कूल संचालक से घूस मांगने के आरोपों में फंसे आईपीएस अनिरुद्ध सिंह को एक नई तैनाती आखिरकार मिल ही गई। मेरठ के एसपी ग्रामीण रहे अनिरुद्ध सिंह को सरकार ने सीबीसीआईडी में एडिशनल एसपी बनाया है। अनिरुद्ध सिंह के साथ उनकी आईपीएस पत्नी आरती सिंह का भी तबादला किया गया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी के पद पर तैनात आरती सिंह को कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। वही कानपुर से एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तबादला किया गया है। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि आईपीएस अनिरुद्ध सिंह को मेरठ ग्रामीण एसपी के पद से हटाते हुए उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर अनिरुद्ध सिंह पर वीडियो कॉल के माध्यम से घूस मांगने के आरोप लगे। दरअसल वीडियो में कथित तौर पर अनिरुद्ध सिंह किसी व्यक्ति से 20 लाख रुपए मांगते हुए दिख रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि वीडियो करीब 1.5 साल पुराना तब का है जब वो एएसपी चैतगंज वाराणसी थे। इसी दौरान एक स्कूल में रेप का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। आईपीएस अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल गई है। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एएसपी चैतगंज वाराणसी से पहले एएसपी फतेहपुर हुई और फिर एसपी मेरठ ग्रामीण के पद पर हुई। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रदेश में जमकर सियासत भी देखने को मिली थी, जिसके बाद तत्कालीन यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। वही वाराणसी पुलिस कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। फिलहाल इस मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।